हेलो दोस्तों, काव्य सिंपल ग्रीन गार्डन में स्वागत है आपका। और आज हम इस पौधे के बारे में बताएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम आपको बहुत ही छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप उस जानकारी को ज़रूर सुने। दोस्तों, इस पौधे का नाम है नेरियम ओलियंडर और ये एक हाइब्रिड किस्म का पौधा है। और ये दोस्तों एक जहरीला पौधा होता है। अगर आप इसे अपने घर में ऐड कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसी जगह रखो जहाँ पर इसको छोटे बच्चे बिल्कुल भी इसकी पत्तियों को तोड़ ना पाए, और जो पेट्स हैं वो भी इसमें इसको तोड़कर या इसको किसी भी तरीके से टच ना कर पाए, तो क्योंकि यह पौधा बहुत ही जहरीला। दोस्तों, यह बहुत ही कॉमन पौधा है और यह ज़्यादातर आपको रोड साइड भी आपको अच्छे से दिख जाएगा। कई जगह ये रोड साइड पे आप बीच में देखोगे डिवाइडर पे लगा होता है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है और ये इसको बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड पौधा गमले में लगा रहे हो तो थोड़ी सी उसकी देखभाल करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर इसके सनलाइट के बारे में बात करें तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आपने इसे छत पे लगा रखा है बालकनी में तो कम से कम 2-3 घंटे की धूप दीजिए, और अगर आप इसको रूफ टॉप पे लगा रखे हो तो इसको फुली 6 घंटे की धूप आप अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो। दोस्तों, ये हमारे पास 2 वैरायटी है, एक पिंक वाला और ये एक मिनिएचर, तो दोनों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और आशा करते हैं आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, काव्य सिंपल ग्रीन गार्डन में स्वागत है आपका। और आज हम इस पौधे के बारे में बताएंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, हम आपको बहुत ही छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए आप उस जानकारी को ज़रूर सुने। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, इस पौधे का नाम है नेरियम ओलियंडर और ये एक हाइब्रिड किस्म का पौधा है। और ये दोस्तों एक जहरीला पौधा होता है। अगर आप इसे अपने घर में ऐड कर रहे हो तो प्लीज़ ऐसी जगह रखो जहाँ पर इसको छोटे बच्चे बिल्कुल भी इसकी पत्तियों को तोड़ ना पाए, और जो पेट्स हैं वो भी इसमें इसको तोड़कर या इसको किसी भी तरीके से टच ना कर पाए, तो क्योंकि यह पौधा बहुत ही जहरीला होता है। दोस्तों, यह बहुत ही कॉमन पौधा है और यह ज़्यादातर आपको घरों में दिखेगा और रोड साइड भी आपको अच्छे से दिख जाएगा। कई जगह ये रोड साइड पे आप बीच में देखोगे डिवाइडर पे लगा होता है। ये बहुत ही इजी टू ग्रो होता है और ये इसको बहुत ही कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन अगर आप हाइब्रिड पौधा गमले में लगा रहे हो तो थोड़ी सी उसकी देखभाल करना ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों, अगर इसके सनलाइट के बारे में बात करें तो इसको फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आपने इसे छत पे लगा रखा है बालकनी में तो कम से कम 2-3 घंटे की धूप दीजिए, और अगर आप इसको रूफ टॉप पे लगा रखे हो तो इसको फुली 6 घंटे की धूप आप अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हो। दोस्तों, यह एक बहुत हार्डी प्लांट होता है और इसकी जो ग्रोथ होती है 12 मंथ्स चलती रहती है। आप इसको अगर एक बार घर में लगाते हो तो आप इसमें हमेशा न्यू ग्रोथ देखते रहोगे और हमेशा न्यू बर्ड्स आती रहती हैं। और इसकी फ्लावर्स पूरी तरीके से ओपन नहीं होते हैं, कम ओपन होते हैं, तो इसके फ्लावर को और अच्छे से आप खिलाने के लिए DAP के कुछ दानों का यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अगर सॉइल की बात करें तो आप अगर इसे गमले में लगा रहे हो तो इसका ड्रेनेज होल बहुत ही अच्छे से बना के रखिएगा, इसमें पानी स्टोर ना हो पाए। दोस्तों, आप अगर इसकी सॉइल तैयार कर रहे हो तो इसकी सॉइल में आप वर्मी कंपोस्ट, मिट्टी और थोड़ी सी बालू का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे प्लांट में जो होती है, जो मिट्टी होती है वो चिपकती नहीं है और वो मिट्टी भुरभुरी सी रहती है। दोस्तों, अगर इसके अगर आपने इसे गमले में लगा रखा है तो इसकी मिट्टी को आप फुल मॉइस्ट रखिए, एकदम नमी जैसा, बहुत ही ज़्यादा
चिपचिपी मत रखिएगा, नहीं तो अच्छा नहीं होता है वो प्लांट के लिए, क्योंकि ये उसका ये लक्षण होता है कि पानी इसमें कहीं स्टोर हो रहा है। तो ऐसा पानी आप डालो कि वो ड्रेनेज होल से बाहर चला जाए। और दोस्तों इसमें कई वैरायटियां आती हैं और कई कलर में ये पाया जाता है। जैसे आप ज़्यादातर देखोगे रेड वाइट येलो आपको बहुत ही कॉमन मिल जाएगा। इसमें ऑरेंज कलर भी आता है दोस्तों। तो अगर आप अपने अगर आप बिगनर्स हो तो आप इस प्लांट को लगा सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है और लो मेंटेनेंस प्लांट होता है। ये देखिए दोस्तों इसमें बहुत सारी बर्ड्स आई हुई हैं। इसमें हमने अभी गोबर की खाद डाली थी, तो गोबर की खाद डालने के बाद दो चार दाने हमने कुछ दिन के अंतराल पे 3 से 4 दिन के बाद इसमें DAP डाल दिया था, 2-4 दाने। फिर उसके बाद इसमें अच्छी तरीके से बर्ड्स आए हुए हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों अगर इसमें फ्लावरिंग की बात करें तो इसमें अगर आप अच्छे से इसको खाद देते हो तो ये 12 मंथ्स आपको फ्लावर करता रहेगा। लेकिन दोस्तों अगर इसकी डोरमेंसी पीरियड की बात करें तो ये ठंडियों में डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। और ये देखिए दोस्तों इसको हमने मिट्टी के पॉट में लगा रखा है और उसमें इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही है। ये देखिए और ये अब पूरी तरीके से बुशी प्लांट होता जा रहा है। और आपसे बस इतना ही कहना है कि बस इस प्लांट को आप पौधों बच्चों से दूर रखें। दोस्तों इस पौधे की हमारे पास 2 वैरायटी है, एक पिंक वाला और ये एक मिनिएचर। तो दोनों में बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है और आपको हम कुछ दिन बाद अपना वो पिंक वाले फ्लावर की अपडेट करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आपको आशा करते हैं आपको हमारी यह छोटी सी जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।